हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बाय। थे 6 बजे और यहाँ पे हम पहुंचे हैं 4 बजे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप सबको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं डोडा, मैं और मम्मा दोनों, तो आज हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से डोडा के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे तक हमें निकलना है घर से। सामान वगैरह सारा पैक हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कितना सामान है हमारे पास। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और जाते हैं गांव के लिए और लेते हैं गांव के मज़े, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे सर्दी है। तो चलते हैं और करते हैं इंजॉय। एक बैग रहा वहाँ पे, एक वो है छोटा सा, ये मेरा पर्स आ गया और एक बैग यहाँ पे, और एक बैग हमने पहले ही वहाँ पर पहुँचा दिया था। तो टाइम हो रहा है 5:15 और अभी बस हम लोग निकलने वाले। ये रहा हमारा सारा सामान, यहाँ पे है मम्मा, ये कर रहे हैं दरवाज़ा बंद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से स्कूटी लेके, क्योंकि सामान है हमारे पास, सब पता नहीं ये सामान हम ले पाएंगे स्कूटी पे कि नहीं। तो स्कूटी फिर छोड़ूंगी मायके पे, मायके में, तो फिर वहाँ से हम लोग चले जाएंगे मेटाडोर से बस स्टैंड के लिए। तो बस निकलते हैं अभी यहाँ से, मैं स्कूटी को निकालती हूँ, स्कूटी को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट नहीं हो रही भैया, स्कूटी हो गई हमारी स्टार्ट दनो। और ये देखो यहाँ पे इसको अभी भी 2 पॉइंट है पेट्रोल का, और यहाँ से उधमपुर से वापस आके मैंने इसमें पेट्रोल नहीं डाला है। उसके बाद भी 3-4 दिन हो गए मुझे स्कूटी चलाते हुए, अभी तक इसमें इतना पेट्रोल है और एवरेज तो बहुत ज़्यादा ही देती है ये। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर, तो जाते हैं अपना सामान इस पर रखते हैं, देखते आता सामान कि नहीं। सो बैग तो यहाँ पे लग गया बड़ा, इसी की मेन टेंशन थी क्योंकि ये बड़ा बैग है, तो अगर ये लग जाता तो बाकी तो एक मम्मा ने बैग पे लगा लिया है, तो ये हाथ में पकड़ लेंगे और इसको मैं आगे रख लूँगी। तो यहाँ पे लग गया घर को ताला, बाय बाय घर, घर को बाय बाय बोल दिए 10-15 दिन के लिए। तो अभी ये स्कूटी भी अब आपको नहीं दिखने वाली व्लॉग में, क्योंकि इसको हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे। और ये रहा मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब भी कर दे। बस अभी चलते हैं यहाँ से, हम लोग निकलते हैं, तो अब आपसे मिलेंगे हम डायरेक्ट मायके जाकर, वहाँ पर जाके स्कूटी को छोड़ेंगे उधर ही, फिर सामान लेके हम जाएंगे बाहर रोड के लिए। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चलें। ओके बाय बाय, इधर नहीं आना, जाओ अंदर, जाओ अंदर, चलो चलो, बाय 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 बाय। ये देखो डॉगी, डॉगी बाय। तो गाइस सामान मैं ले आई हूँ, जो एक बैग वहाँ पे था, तो अभी वहाँ से मेटाडोर आ रही है, तो इसमें हम लोग जाते हैं। वो डॉगी यहाँ तक आया मेरे साथ, देखो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं केसी, और रोड के उस साइड लगी है डोडा भदरवा वाली बस। तो मम्मा गए हैं बस का पता करने कि उसमें सीट वगैरह है या नहीं। तो फाइनली हमें यहाँ से मिल चुकी है बस और हम लोग निकल चुके हैं जम्मू से डोडा के लिए। 2-3 महीने के बाद जा रही हूँ मैं तो, बट अच्छा लग रहा है और मौसम भी इतना अच्छा है आज सुबह सुबह, तो हम निकले भी जल्दी थे। तो अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में डोडा के लिए, तो चलते हैं। गाइज उस साइड देख लो ट्रैफिक, जम्मू के लिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना, ये ट्रक की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और लेकिन हमारे वाले रूट पे जो है जम्मू से डोडा की तरफ, वहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, हम लोग बच गए। अगर ट्रैफिक में फंस जाते ना, हम 2-3 घंटे लेट हो जाते और हमें आगे के लिए गाड़ी नहीं मिलती। पहुंचे हैं बगर में, यहाँ पे हर बार गाड़ी रुकती है लंच वगैरह के लिए, तो हमने लंच वगैरह कर लिया है और अभी मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक और साथ में चिप्स जो मैंने बाहर से जाके लाई। तो अभी करते हैं इसको एंजॉय और थोड़ी देर रुकेगी यहाँ पे बस, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे कहीं पर भी नहीं रुकेगी, फिर डायरेक्ट डोडा में जाके हमें रुकेगी बस। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। अभी हम लोग डोडा से निकल चुके हैं अपने घर की गाड़ी में बैठ के, तो यहाँ से कम लगभग 1 घंटा लग जाता है अगर रास्ता ख़राब ना हो, क्योंकि रास्ता ख़राब है अभी, रोड वहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ इस वजह से। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, अब देखते हैं हमें यहाँ से कितना टाइम लगता है पहुँचने में, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट घर जाकर। तो चलते हैं रास्ते को इंजॉय करते करते, और यहाँ की सीनरी तो बहुत ज़्यादा औसम है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, बहुत घर की हालत ख़राब है,
इतने टाइम से बंद था ना, 1-1.5 महीने से, तो इसलिए बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है इतना ज्यादा। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, पहले चेंज वगैरह कर लेती हूँ। मम्मा ने तो आते ही पहले चेंज किया और रूम को साफ किया, क्योंकि अब रूम में जहाँ बैठना है वहां पे तो सफाई करनी पड़ेगी। और इतनी थकावट हो गई है ना, सुबह हम चले थे, घर से निकले थे 6 बजे और यहाँ पे हम पहुंचे हैं 4 बजे, तो लगा लो हिसाब कितना टाइम लगा हमें वहां से यहाँ तक। इतने टाइम में तो सच में थक गई, टांगों में इतनी दर्द हो रही है, ऐसे लग रहा पता नहीं कितना चल के आई हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे ही हो गया। तो अभी पहुंच गए घर पे, तो चेंज वगैरह कर लेते हैं, फिर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे रेस्ट, उसके बाद दिखाऊंगी आपको घर की हालत क्या हो गई, आगे पीछे की जो भी है, खेत वगैरह वो दिखाऊंगी। सो गाइस, हम लोग जब भी घर से जाते हैं तो बेड को करके जाते हैं कवर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह पड़ती है। तो अभी मम्मा उठा रहे हैं इसको पूरा, और उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे और थोड़ी साफ सफाई करेंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद आए हैं हम लोग यहाँ पे, तो गंद तो हो गई, मिट्टी है ऊपर तो मिट्टी तो गिरेगी नीचे। ये उठा दिया मम्मा ने, और अभी बेडशीट वगैरह करेंगे चेंज और साफ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर बैठेंगे। लंच क्या, अब तो डिनर का टाइम हो रहा है, 5 बजे खाया हमने खाना थोड़ा सा। तो अभी मैंने शाम के लिए दाल चढ़ा दी है, तो शाम के लिए हम बना रहे हैं दाल चावल, क्योंकि जल्दी जल्दी में बन जाती है, जैसे ही कुकर को सीटी बजी तो दाल हो जाती है, उसके बाद तड़का लगाना तो दाल बन जाती है, सब्जी खाने का मन नहीं है। तो इसलिए मैंने मम्मा को बोला हम दाल चावल बना लेते हैं। तो मैं कर रही हूँ किचन में डिनर की तैयारी, और मम्मा कर रहे हैं काम वहाँ पे बैक साइड पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो गई है बारिश की वजह से, तो हमारा जो वॉशरूम है वो उसी साइड है और हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो इसलिए डर रहता है कि कुछ कीड़ा वगैरह ना हो। तो मम्मा बोलते पहले मैं थोड़ी सी वहाँ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ डिनर और वो कर रहे हैं वहाँ पे सफाई, तो अभी चलते हैं मम्मा के पास और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा वहाँ पे कितना ज़्यादा घास हो गया और मम्मा कैसे काम कर रहे हैं। इधर देखो यहाँ की हालत, देखो यहाँ पे क्या हालत हो गई है। यहाँ पे वॉशरूम है और वॉशरूम के बाहर इतना गंदा है, तो यहाँ पे डर ही रहता है कि कुछ कीड़ा वगैरह ना हो, इसलिए मम्मा आते ही शुरू हो गए काम करने में। कैसा लग रहा काम करके आपको? काम करके तो अच्छा लगा, लेकिन इधर घास फूस कितना, बारिश से हो गया ना, घर पे रहती थी ना, ऐसा नहीं होता था, इतना अच्छा होता था इधर, जब बाहर से कोई आता था खुश हो जाता था कि घर पे कोई आया, इतना मतलब इधर कोई घास फूस नहीं होता था। अभी इधर कितना डर लगता है। कोई बात नहीं, अभी साफ कर लेते हैं, अब ये लग गए आते हैं अपने काम में साफ सफाई करने में। तो मैं आपको पीछे वाली साइड दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या लगा है और कितना घास है वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और इधर सब्जी वगैरह लगाई है, लेकिन घास बहुत ज़्यादा हो गया, सब्जी तो है थोड़ी थोड़ी, घास ज़्यादा है, सब्जी कम है। और यहाँ पे देखो अभी इनको करने देते हैं काम, ये अपना काम ख़त्म करेंगे, यहाँ से साफ सफाई कर लेते हैं क्या, नहीं हाँ हाथ गंदे हो जाते हैं, तो इनको करने देते हैं सफाई और हम चलते हैं अंदर, और अंदर जाके हम अपना खाना शाना बनाते हैं शाम के लिए। मैंने यहाँ पे दाल बना दी है और ये दाल बहुत ही टेस्टी बनी है, क्योंकि गांव में जो भी खाना बनाओ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पे चावल मैंने हीटर पर डाल दिए और अभी ये भी बन जाएंगे, फिर हम जल्दी जल्दी से डिनर कर लेंगे क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जलानी है आग, पर अभी मेरे से जल नहीं रही है क्योंकि ये लकड़ियाँ थोड़ी गीली हैं इस वजह से। तो मम्मा आ गए हैं बाहर थोड़ा पानी लाने के लिए, उसके बाद आग जलाते हैं और फिर बैठेंगे आग के पास और इधर ही बैठ के हम खाना खाएंगे। अभी थोड़ा गंद बचा हुआ है क्योंकि बहुत टाइम के बाद आए, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे झाड़ू वगैरह लगाया, तो नीचे कुछ बिछाया भी नहीं है अभी, कल हम अच्छे से सफाई करेंगे यहाँ की, उसके बाद फिर बैठेंगे आराम से। रात को मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी, क्योंकि जैसे ही बेड पे आई वैसे ही सो गई थी, क्योंकि थक गई थी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में इतना सफ़र करके। सुबह 6 बजे से चले थे और शाम को 4 बजे हम यहाँ घर पे पहुँचे,
इस वजह से लेग्स में भी बहुत पेन हो रही थी, जल्दी सो गई। तो अभी सुबह उठी हूँ मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा पहले व्लॉग को एंड कर लेती हूँ, और अब से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो जल्दी जल्दी मिलेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ रहा था वहाँ पे। 1 वीक के बाद व्लॉग आ रहे थे क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही नहीं था उधर कुछ। तो यहाँ पर आई हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी व्लॉग्स आएँ। थैंक यू सो मच गाइज़, मेरे फाइनली 3K सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे, वो भी इतने कम टाइम पे। और मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ यूट्यूब पे आजकल, बहुत कम मतलब यूट्यूब पे व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि जल्द जल्द से व्लॉग्स आएंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो भी मेरा न्यू अपडेट होगा कुछ भी यूट्यूब का, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको जाके चेक करें। तो करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं।